म्यूजिक का बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है। रेलवे के निजीकरण के लिए जुलूस चल रहा है जिसमें हजारों की तादाद में लोग आप देख रहे होंगे, जिसमें हजारों की तादाद में लोग इस निजीकरण के विरोध में आज आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है जिसके अंदर ये जुलूस निकाला जा रहा है, जिसके अंदर हजारों की तादाद में लोग आपके सामने नजर आ रहे होंगे। आप देखिए इसको, ये जुलूस आपके सामने, ये नरेंद्र मोदी जी का नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, महिलाएं हैं, महिलाएं देख लीजिए इसके, आप देखिए इसके अंदर ये दिखाना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं सब लोग, बताना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी आप जागे, इस संसदीय क्षेत्र के आप सांसद हैं। जमीन हमारा रेल का, सारा सिस्टम हमारा, और आप कह रहे हैं कि उनको सिर्फ परिचालन कराएंगे, अरे उनमें इतनी क्षमता है तो अपना जमीन खरीद के पटरी बिछा के चलाएं, हम लोग को कोई मनाही नहीं है, ये नहीं होगा। सारा चीज हमारे सब लोग जुटा के दे दिए, जो चीज बना हुआ है उस पर ये दौड़ा के कमाएंगे, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। यदि आप लोग जागरूक नहीं हुए तो ये कोई दिन दूर नहीं, अभी बोला जा रहा है कि 30 साल पे 35 साल पे आपको हटाया जाएगा, कल आपको उसके पहले 25 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, 20 साल बाद सबको हटा के 20,000 वाले रख लिए जाएंगे। जहां 1 अरब 30 और 35 करोड़ की आबादी है वहां पे 20,000 में भी लोग काम करने के लिए लाइन में खड़े, नतीजा क्या होगा? चारों तरफ वही आतंकवाद और उग्रवाद का जो जन्म होता है इसी से, जो संतुष्ट नहीं रहते। आज क्या हुआ, IRCTC खाना नहीं परोसती है रेल में, क्या खाने का स्टैंडर्ड सुधर गया? तो क्या IRCTC के चलाने से तेज सुधार लेंगे आप? कभी नहीं, वही उलूल जुलूल चीजें लाएंगे, बिकड़ी लीग वाली हालत करेंगे कि उससे वनडे खत्म कर दीजिए, टेस्ट खत्म कर दीजिए, चलेगा तो केवल बिकड़ी लीग चलेगा, तो उसी टाइप से आप चलाइए। लेकिन ये हर आदमी के दिमाग में होना चाहिए और ये विरोध होना चाहिए, चाहे जिस स्तर पे हो। यदि माननीय हमारे DPO साहब ने ऐसा किया है तो हम लोग उनको ये लेटर का कॉपी उनको जल्द से जल्द रिसीव कराएंगे, क्योंकि हम लोग को ये अभी तक कॉपी नहीं मिला हुआ था, उनको दिखाएंगे कि जो भी हम लोग काम करते हैं डू योर ड्यूटी और राइट फॉर फाइट फॉर राइट करते हैं, कोई गलत असंवैधानिक काम न कभी किया है लड़का न कभी करेगा, कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे संविधान के दायरे में रहते हैं। आप जरा सोचिए, यदि इसी तरीके से होता रहा, यदि आपकी आवाजें दब गई तो क्या होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। कल आपको सीधे बोल दिया जाएगा कि आप जाइए, आप कल पेंशन बंद हुआ, कल बोला जाएगा आप गवर्नमेंट नहीं, फलाने कंपनी के अधीन में आपको डाल दिया। आज नहीं यूनिटी रखेंगे तो यही हाल होने वाला है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह का प्राइवेटाइजेशन देश हित में नहीं है। देश हित में रहता देश हित कौन सा देश हित? देश की जब बात करते हैं गवर्नमेंट करते हैं, सरकारी करते हैं। आप प्राइवेट आदमी को देखें, जब उसका हित करा रहे हैं कि देश का हित करा रहे हैं? मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है, हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप देखिए इसमें, अगर आपको नजर आए तो आप देखिए इसके अंदर कितना बड़ा हुजूम इसके अंदर चल रहा है। हम सभी लोगों का ये माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि इन लोगों की आवाज सुने, ये उनका संसदीय क्षेत्र है जिसमें कि वो इसको सुन नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहिए इस चीज को। बंदे, 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 बंदे।
प्रधानमंत्री हाथ में आएंगे, प्रधानमंत्री हाथ में आए, प्रधानमंत्री हाथ में। इतनी भीड़ है दोस्तों, आप देखकर हैरान हो जाएंगे इस जुलूस को, लेकिन हम देख रहे हैं ना रेल मंत्री के और ना ही प्रधानमंत्री के, दोनों के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। यहाँ के इतने लोगों को बेघर करने की तैयारी हो रही है, जिसको देखिए आपको समझ जाएगा कि इस समय कितना भीड़ है। बंद करो, 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 बंद करो। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है।